हेलो दोस्तों नमस्कार रामप्रसाद ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी के एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत है और दोस्तों मैं आज जो आपको बता रहा हूं वो हकीकत बता रहा हूं और सच बता रहा हूं तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा तो दोस्तों मैं आज यही बताना चाहता हूँ कि देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है हमारी ज़िंदगी है किस तरह से चल रही है और दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप जो है बूढ़े होते चले जा रहे हैं ठीक है हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और कभी हम लाइफ बदलेंगे कभी अपना ज़िंदगी बदलेंगे कभी हम अपने माँ बाप के सपने पूरा करेंगे और कभी उनको बड़े से बड़े गाड़ी में घुमाएंगे कभी से कभी उनको अच्छा से अच्छा दोस्तों देखा जाए तो एक आम आदमी एक माँ बाप को वो मरने के बाद जो है ना मरने के बाद उनको अच्छे से अच्छा देते हैं खाने पीने के लिए ठीक है को, कोई क्या देता कोई क्या चढ़ाता है कोई क्या लेके जाता पूछता है लेकिन वही खाना अगर देखा जाए दोस्तों अगर वही खाना और वही पैसा अगर दो चार मरने के पहले अगर लगा दिए जाए वही पैसा जो बाद में लगाते हैं मरने के बाद वही पैसा का अगर देखा जाए तो खा वही जिंदा होने के पहले दो चार साल खिला पिला दिया जाए तो क्या दो चार साल आप माँ बाप और नहीं आगे बढ़ सकते और जी सकते हैं तो दोस्तों वही बताना चाहते कि कि अपनी ज़िंदगी बदलिए और अपनी लाइफ बदलिए दोस्तों अगर आप सोचेंगे दूसरे के कहने पे रहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे कुछ नहीं ज़िंदगी आपकी है लाइफ आपकी है दोस्तों खर्चा आपको चलाना है किसी दूसरे को नहीं आपके घर का खर्चा क्या दूसरा कोई चलाएगा नहीं चलाएगा दोस्तों तो आपके घर का खर्चा आप ही चलाएंगे दूसरा कोई नहीं चलाएगा तो आप दूसरे के कहने पे क्यों रुक रहे हैं दूसरे के कहने पे क्यों चल रहे हैं दोस्तों दूसरे के कहने पे मत रहिए अगर आप कर रहे हैं तो आप काम करिए क्योंकि अपने गोल्स अपने लक्ष्य अपने सपने पर ध्यान दीजिए अगर अपने दोस्तों जिंदगी आपकी बेकार है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल्स नहीं है कोई लक्ष्य नहीं है कोई सपने नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बेकार है एकदम से तो इसलिए दोस्तों बता रहा हूं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सपना है कोई गोल्स है कोई लक्ष्य है तब तो आपकी ज़िंदगी ठीक है बगैर लक्ष्य बगैर गोल्स बगैर सपने के आपकी ज़िंदगी ही बेकार है क्योंकि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके कोई गोल्स नहीं है कोई लक्ष्य नहीं है कोई सपने नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके सपने हैं आपके लक्ष्य हैं कोई गोल्स हैं तो आप ज़िंदगी में फोकस रखेंगे कि मुझे वो करना है वो करना चाहिए क्या मैं कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए आप नहीं कुछ कर सकते क्योंकि आपके जिंदगी में कोई गोल्स ही नहीं है कोई लक्ष्य नहीं है कोई सपने नहीं है तो क्या कर पाएंगे कुछ नहीं करेंगे तो इसलिए दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य रखिए कोई लक्ष्य बनाइए कोई सपने बनाइए तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे अब देखिए आम आदमी की तरह अगर ज़िंदगी जिएंगे तो आपके माँ बाप कुछ नहीं पाएंगे कुछ नहीं देख पाएंगे क्योंकि अगर आपके सपने ही नहीं हैं आपके लक्ष्य ही नहीं हैं आपके गोल्स ही नहीं हैं तो क्या कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गोल्स होना चाहिए तो नहीं नहीं जुणा? नहीं जुणा? तो नहीं कुछ ना तो कुछ लक्ष्य होना चाहिए कुछ ना कुछ सपने होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे अगर आप गोल्स नहीं है आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी लक्ष्य नहीं है सपने नहीं है तो अपने आप को दोस्तों बदलिए अगर आप रोज़ सुबह उठ के थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन सुनिए आपके मोबाइल है अगर बड़ा वाला मोबाइल है आपके पास तो रोज़ सुबह या शाम कुछ न कुछ आप सीखिए और मोबाइल में सर्च कीजिए मोटिवेशन और मोटिवेशन वीडियो सर्च कीजिए और उसको सुनिए अगर आप सुनेंगे तो आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बदलाव कीजिए रोज़ थोड़ी थोड़ी बदलाव करेंगे दोस्तों तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप सोचेंगे ही नहीं क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सोच ही नहीं पाते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सोच नहीं पाते हैं अगर आप सोचने में अगर आप सोचने में ही डरते हैं तो आप क्या कर पाएंगे आप सोचने में ही डर जाते हैं ना तो आप सोचिए आपकी सोच में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सोच नहीं पाते हैं तो आप सोचिए दोस्तों सोचने से मत डरिए और सोचिए कि मुझे क्या करना है क्या करना चाहिए लोगों की बातों पे मत आइए देखिए अगर आप भूखे रहेंगे तो भी लोग ताना मारेंगे और आप पेट भर के खाना खाएंगे तो भी लोग ताना मारेंगे आप घर पे बैठे रहेंगे तब भी लोग ताना मारेंगे और अगर आप काम करने जाएंगे तो भी लोग ताना मारेंगे तो लोगों की बातों से मत डरिए आपको जो करना है वो करिए डरिए मत दोस्ता क्योंकि आप जिंदगी आपकी है लाइफ आपकी है और सपने गोर्स आपके हैं पूरे अगर सपने आपके हैं तो पूरे भी आपको करना पड़ेगा ठीक है ना ये तो आप जानते हैं क्योंकि अगर आप जानते कि अगर मुझे गाड़ी लेना है तो क्या दूसरे को ही पैसा देगा नहीं आपको ही पैसा देना पड़ेगा और आपको ही जाना पड़ेगा लेने तो दूसरे की बातों में मत आइए और जाइए और अपना काम करिए रोज़ सुबह न सुबह थोड़ी थोड़ी सीखिए दोस्तों अगर सीखें आप जितना सीखेंगे उतना ही जीतेंगे तो सीखने से मत डरिए आप जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे और रोज़ सुबह न सुबह दोस्तों वीडियो को देखिए और वीडियो को सुनिए ये पिक्चर देखने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी गाना सुनने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी ये लूडो खेलने से पबजी खेलने से और टिकटॉक देखने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी दोस्तों ये बात ध्यान से सुनिए ये मैं सच कह रहा हूँ अगर टिकटॉक देखने से पिक्चर देखने से गाना सुनने से अगर जिंदगी बदल जाती दोस्तों तो कहीं ना कहीं इतने सारे दुनिया में लोग गाना देखते हैं सुनते हैं पिक्चर देखते हैं तो जिंदगी कितनी की बदल गई होती ये सच है कि जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा रात में जाके मेहनत सपने वो मत देखो सपने वो मत देखो जो नींद में देख रहे हो कि सोते समय सपने देख रहे वो सपना नहीं है सपना वो है जो रात में सोने ना दे और आपका फोकस अपने सपने पर रहे गोल्स पर रहे उसे ही कहते हैं सपना तो आपको रात में जागना पड़ेगा अगल अलग हट के करना पड़ेगा सबसे अलग हट के करना पड़ेगा तभी जाके आपको कुछ कर पाएंगे जिंदगी में ये सच है कहीं ना कहीं अगर मैं भी दोस्तों अगर गाना सुन सुनता होता पिक्चर देखने से अगर मेरी जिंदगी बदल जाती तो कहीं ना कहीं मुझे रात दिन काम न करना पड़ता तो वही बता रहा हूं दोस्तों कि काम करिए लेकिन हट के करिए सबसे अगर वही संगत में रहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे आप देखिए कि जिसके साथ आज तक चले आ रहे हैं कहीं ना कहीं तो क्या उसके साथ रहने से जिंदगी बदल गई है नहीं अगर उसी के साथ रहने से जिंदगी बदल गई होती कहीं ना कहीं देखते जिसका साथ रहे हैं अगर उसी की जिंदगी नहीं बदली है तो आपकी कैसी बदल जाएगी नहीं बदलेगी दोस्तों इसीलिए कहता हूं कि संगत संगत एक ऐसी ही है कि ये अच्छे अच्छे को बर्बाद कर दी है संगत और अच्छे अच्छे को बना दी है लेकिन इसमें फ़र्क भी है संगत दो मेर के होती है एक निगेटिव एक पॉजिटिव अब निगेटिव संगत उसे ही कहते हैं अब नशेड़ी वाले को अगर चार नशेड़ी जा रहे हैं और उसके साथ में आप जा रहे हैं अगर आप नहीं खाते हैं नहीं पीते हैं, फिर भी आप पाँचवा शामिल हो जाएंगे नशेड़ी में पॉजिटिव उसे ही कहते हैं दोस्तों कि जो सफल लोग हैं सफल लोगों के साथ अगर चार आदमी व्यक्ति जा रहा है और उसमें पांचवा आप जा रहे हैं तो आप पांचवा सफल व्यक्ति बन जाएंगे ये बात तो सच है तो इसीलिए कहते हो तो संगत भी करिए और काम भी करिए और सीखिए भी जितना सीखेंगे उतना आप काम करेंगे जितना रोज वीडियो कहीं ना कहीं आप गाना देखते हैं पिक्चर देखते हैं वही गाना पिक्चर देखने की बजाय मोटिवेशन से सुन लीजिए मोटिवेशन देख लीजिए अगर नहीं पता है मोटिवेशन में कैसे सुनूं तो मैं बता देता हूं यूट्यूब में जाइए जैसे गाना सर्च करते हैं वैसे सर्च कीजिएगा कि मोटिवेशन वीडियो अगर मोटिवेशन वीडियो सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी से अच्छी वीडियो आएंगे और आप सुनेंगे देखेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी जिंदगी में लागू करेंगे तो आपको ज़िंदगी बदल जाएगी ये तो सच है तो आप सीखिए दोस्तों सीखने से मत डरिए अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे सीखेंगे तो जीतेंगे और मेहनत करेंगे तो पाएंगे संगत करेंगे तो रंगत करेंगे ये तो सच है तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूं संगत करिए लेकिन सफल लोगों की करिए अगर आप संगत बुरी संगत करेंगे तो आप बुरे ही बन जाएंगे और अच्छी संगत करेंगे तो अच्छे ही बन जाएंगे ये तो बात सच है अगर आप कहीं ना कहीं अगर मैं भी मैं भी अगर नशेड़ी का साथ करूंगा तो नशेड़ी ही बनूंगा ना मेरे पास तो ये नहीं है कि अगर उस नशेड़ी का संगत करूंगा तो मेरे पास गाड़ी आएगी मेरे पास घर होगा मेरे पास बंगला होगा मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी छोटी गाड़ी होगी हैं तो जब सफल लोगों का साथ करूंगा तभी ऐसा मेरे साथ होगा ना अगर नशेड़ी का साथ करूंगा तो नशेड़ी ही बन जाऊंगा ना मैं तो संगत अच्छी करिए सफ़ल लोगों के साथ करिए और उसी का बात सुनिए जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव करने वाला हो उसी का बात सुनिए और हाँ उसी का बात सुनिए जो आपको कुछ ना कुछ जिंदगी में लागू करने के लाग बोले और रोज ना रोज कहीं ना कहीं मोटिवेशन वीडियो सुनिए कि अपनी जिंदगी में बदलाव करें तभी आप अपने माँ बाप के सपने पूरा कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने जिंदन यानी कि अपने माँ बाप के मरने से पहले कुछ न कुछ आप बना के दिखाइए माँ बाप के पैसों पे मत लड़िए उनके पैसों पे मत चलिए खुद के पैरों पे चलना सीखो दोस्तों माँ बाप के पैसों पर कब तक चलोगे कब तक चलोगे जब तक जिंदा रहोगे तब तक चलोगे जब उनके मर जाएंगे माँ बाप तो क्या करोगे किसके पैरों से चलोगे फिर तो चलना ही पड़ेगा ना तो ऐसा ही कुछ करो ना कि माँ बाप के मरने से पहले कुछ ना कुछ बना के दिखा दो कुछ करके दिखा दो अगर आप दिखा देंगे करके तो माँ बाप भी बोलेंगे हाँ मेरा बेटा ऐसे किया है हमारे जिंदन का ऐसे किया है मरने से पहले ऐसे किए हैं तो दोस्तों वही बताना चाहता हूँ तो दोस्तों आप कुछ न कुछ करिए और सीखिए और सुधर जाइए ये आपकी जिंदगी का सवाल है अगर आप नशेड़ी का साथ करेंगे नशेड़ी बन जाएंगे। सफल लोगों के साथ करेंगे तो सफल बन जाएंगे बाकी अगला ब्लॉग वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों नमस्कार